ढलती हुई सैम के साथ हम फिर से आ चुके हैं कंपैरिजन वीडियो लेकर। यहाँ पर हम कंपेयर करने वाले हैं दो बेहतरीन के स्मार्टफोन और आपको बताएंगे कौन सा है बेहतर जो आपको परचेज करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कोई स्मार्टफोन खरीदना है तो उससे पहले कंपैरिजन वीडियो ज़रूर देख लीजिए, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फ़ोन की, तो सैमसंग गैलेक्सी A80 को करेंगे कंपेयर और साथ में करेंगे वीवो का V15 Pro। हालांकि प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस है बट फीचर्स में काफ़ी ज़्यादा आपको फीचर अलग देखने को मिल जाएगा, मतलब डिफरेंट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं दोनों में कितना दम है जिसके हिसाब से हमें उसे परचेस करना चाहिए। हाय गाइस, मेरा नाम है कमल, करता हूँ सभी का स्वागत है एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक तो कर ही दीजिएगा, साथ ही साथ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अगर बेल आइकन नहीं दबाओगे ना तो जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, तो इसी बात पर बेल आइकन ठोक दो यार। यहाँ पे अगर हम बात कर लें वीवो का जो V15 Pro है, जिसमें हमें पॉपअप कैमरा देखने को मिलता था, काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन है, बट A80 जो आने वाला है वो भी बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन है, क्योंकि इनसे पीछे हटने वाला नहीं है। तो चलिए कंपेयर करते हैं दोनों स्मार्टफोनों को और आपको बताते हैं कौन सा है बेहतर जो हमें परचेस करना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ सैमसंग के A80 स्मार्टफोन के बारे में, तो यहाँ पर जो हमें डिस्प्ले देखने को मिलता है वो 6.7 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। वहीं अगर मैं PPI के बारे में बात कर लूँ तो आपको जो PPI देखने को मिलेगा वो 3039 PPI देखने को मिलेगा। और अगर मैं बात कर लूँ वीवो का V15 Pro के बारे में, तो यहाँ पर जो हमें डिस्प्ले देखने को मिलता है वो 6.39 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। इस फोन की अगर मैं PPI की बात कर लूँ तो यहाँ पर जो है हमें 403 का PPI देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले के हिसाब से अगर हम बात करें कि हमें किस तरफ जाना चाहिए, तो वो आपको जाना चाहिए A80 के साइड में, क्योंकि यहाँ पर आपको डिस्प्ले में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट कंपैरिजन की तरफ चलें जो है इसका कैमरा, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है किसी भी स्मार्टफोन में। तो अगर A80 के मैं बात करूँ कैमरे की, तो रियर साइड में हमें ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है, वो भी रोटेट कैमरा। लेंसेज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ रियर साइड में जो हमें तीन कैमरा देखने को मिलते हैं, 32+8+5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। 32 मेगापिक्सल आपका कैमरा होता है, 8 मेगापिक्सल आपका वाइड एंगल लेंस होगा और 5 मेगापिक्सल आपका डेप्थ सेंसर होने वाला है। वहीं अगर मैं फ्रंट कैमरे की बात कर लूँ जो रोटेट होता है, तो फ्रंट कैमरा जो आपको होने वाला है वो होगा 32 मेगापिक्सल f2.0 अपर्चर के साथ में। वहीं अगर मैं बात कर लूँ वीवो का V15 Pro की, तो यहाँ पर जो हमें रियर साइड में ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है, 48+8+5 मेगापिक्सल का कैमरा। और मैं फ्रंट कैमरे की बात कर लूँ तो फ्रंट कैमरा जो आपको 32 मेगापिक्सल देखने को मिल जाता है f2.0 अपर्चर के साथ में। तो अगर मैं बताऊँ कि कैमरे के हिसाब से किसके साथ जाना चाहिए, तो यार दोनों ही स्मार्टफोन कैमरे में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है इस तरह बोलें, क्योंकि वहाँ पे आपको रोटेट कैमरा देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको पॉपअप कैमरा देखने को मिल जाता है। अब अगर लेंसेज के हिसाब से देखा जाए तो आपका वीवो का V15 Pro काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहेगा अकॉर्डिंग A80 से। अब इस पर डिसाइड आपको करना है कि आप किस में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हो, यानी रोटेट कैमरा या फिर पॉपअप कैमरा। नेक्स्ट कंपैरिजन की तरफ चलें जो है इसका प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों ही स्मार्टफोन में। सबसे पहले मैं 80 के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन की तरफ से स्नैपड्रैगन का 730G। अगर इस प्रोसेसर की मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग जो है प्रोसेसर है। वहीं अगर मैं इसकी टॉप क्लॉक स्पीड के बारे में बात करूँ तो 2.2 GHz पर ये प्रोसेसर रन करता है। अगर मैं वहाँ पे बात करूँ कि जो है वो वीवो में V15 Pro में हमें जो प्रोसेसर देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन की तरफ से स्नैपड्रैगन का 675 जो रन करता है 2.2.0 GHz पर। तो ये कमाल की बात हो जाती है, क्योंकि यार प्रोसेसर दोनों ही स्मार्टफोन में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल देखने को मिल जाते हैं। अब मैं अगर बताऊं कि सच्ची में कौन सा बेहतर होगा, तो वो आपका होगा सैमसंग गैलेक्सी A80, क्योंकि यहाँ का प्रोसेसर जो है वो लेटेस्ट है और काफ़ी ज़्यादा जो है कमाल का देखने को मिल जाता है। इसकी टॉप क्लॉक स्पीड भी 2.2 GHz पर रन करता है, तो प्रोसेसर जो है वो A80 का काफ़ी बेहतर है। नेक्स्ट कंपैरिजन की तरफ चलें जो है इसकी बैटरी, और बैटरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है हर एक स्मार्टफोन में। हमें A80 में जो बैटरी देखने को मिल जाती है वो 3700 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती, और वही बैटरी हमें जो है वीवो के V15 Pro में देखने को मिल जाती, यानी दोनों ही फ़ोन में हमें जो है वो 3700 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ हमें दोनों ही स्मार्टफोन में जो है वो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट कंपैरिजन की तरफ चलें जो है इसका एंड्रॉइड वर्जन, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों ही स्मार्टफोन में हमें एंड्रॉइड 9.0 देखने को मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स। हालांकि फीचर्स में हमें और भी अपडेट देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट कंपैरिजन की तरफ चलें जो है इसके फिंगरप्रिंट सेंसर से लेकर, हमें A80 में ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाती है, और वीवो में भी हमें अंडर स्क्रीन फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाती है, यानी दोनों स्क्रीन में जो हमें ऑन यानी अंडर स्क्रीन फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाती है, तो बहुत ही कमाल की बात है। अब लास्ट एंड फाइनल फीचर्स के बारे में अगर मैं बात करूं जो है इसके प्राइस से, तो आपका जो A80 देखने को मिलेगा वो आप
आपको देखने को मिला 29,990 और Vivo का भी 15 जो हमें प्राइस में देखने को मिलेगा वो मिलेगा 28,990 रुपये में। अब डिपेंड तो आपको करना है कि आप किसके साइड जाना चाहते हो। अगर मेरे ओपिनियन की अगर मैं बात करूँ तो आपको जो फ़ोन स्मार्टफोन खरीदना चाहिए वो लेना चाहिए मेरे हिसाब से A80, क्योंकि यहाँ पर आपको रोटेटिंग कैमरा जो आपके लेटेस्ट होने वाला है वो आपको लेना चाहिए। डिस्प्ले भी बड़ा देखने को मिल जाता है, प्रोसेसर भी आपको कमाल को देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूँ कैमरे के हिसाब से, अगर आपको कैमरे लेना है तो आपको फिर Vivo का V15 Pro ले लेना चाहिए, बट वहाँ पे भी आपको बेहतर कैमरा देखने को मिल जाता है और यहाँ पर भी आपको बेहतर कैमरा देखने को मिल जाता है। हालांकि आप पॉपअप कैमरे को छोड़ो यार, रोटेटिंग पे आ जाओ, देखते हैं इसमें हमें क्या अलग देखने को मिलता है। तो आपको जो कैमरा देखने, मतलब जो आपको स्मार्टफोन लेना चाहिए वो आपको लेना चाहिए सैमसंग का A80, काफ़ी बेहतर स्मार्टफोन रहेगा हर एक मामले में। आशा करता हूँ सभी को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक तो कर ही दीजिएगा, साथ ही साथ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और हाँ, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि अगर बेल आइकन नहीं दबाओगे तो जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो ठोक दे यार बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड सायनारा, आई एम साइनिंग आउट।